थाना मझोला के गांव मलकद्दा में बीती रात्रि चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। साथ ही गृह स्वामी की पत्नी को बुरी तरह घायल करके घर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लुटेरे भागने में सफल रहे। मलकद्दा के स्थानीय निवासी फिदा हुसैन पंचायती राज विभाग में फोर्थ क्लास कर्मचारी है और उनकी तैनाती ठाकुर द्वारा ब्लॉक पर है। बीती रात्रि जब घर में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सो रही थी तभी अज्ञात बदमाशों द्वारा मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दे डाला गया। पीड़ित परिवार के सदस्य से जब इस बाबत बात की गई तब उन्होंने बताया कि जब फिदा हुसैन की पत्नी द्वारा विरोध किया गया तब बदमाशों ने उनको लहूलुहान कर दिया और वारदात को अंजाम देकर घर में रखी नकदी और आभूषण लेकर लुटेरे भाग खड़े हुए, जिसकी सूचना तत्काल ही मझोला पुलिस को दी गई और आला अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच की जा रही है। अभी ये पता नहीं चोर किधर से आए, कौन से रास्ते से आए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सब तरफ से लोग हैं, उसके बाद में आने के बाद में उनको जो है सबको मुंह बांध दिया, कपड़ा बांध दिया उनको और हाथ पैर बांध दिए और बांधने के बाद में उनको मैडम को बोले मैंने ऐसा करा तेरे पास ज्वेलरी कितनी है और पैर कैश कितना है। उनको ऊपर लेकर आए, ऊपर लाने के बाद में जो है यहाँ से सामान निकाला सारा और सामान निकालने के बाद में उनको जो है चलते समय और उनके हथौड़े मारे तीन, तो दो तो सर में लगे एक लगा यहाँ पर और उसके बाद वो भाग गए, बेहोश करके वहीं चला। कितना माल चोरी चला गया होगा आपका? मैं माल इनका चला गया लगभग 1 लाख का कैश है और करीब 2.5-3 लाख रुपये ज्वेलरी। पुलिस पहुंची थी यहाँ? पुलिस आ गई मौके पर, 100 नंबर डाल गया तो पुलिस आ गई।